बाबरी विध्वंस मामले में जिन 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा, उन 13 लोगों में से एक नाम है बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार का। विनय जी मेरे साथ हैं। विनय जी, 2 साल का वक्त मुकर्रर किया गया है, आप मानते हैं कि किस तरह का फैसला आएगा और क्या उम्मीद है आपको? पहली बात तो बाबरी विध्वंस था ही नहीं, बाबा नाम का कोई वहाँ कुछ नहीं था, जो कुछ था वो राम जन्मभूमि थी, राम का मंदिर था। आज भी जो कुछ है वो राम का मंदिर ही है, परिसर भी जो कुछ है वो सब राम का ही परिसर है, इसलिए कुछ नहीं है। जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या पूछा आपने? 2 साल के अंदर कहा गया है, तो ये तो अदालत पर निर्भर करेगा, जो भी वहाँ निर्णय आएगा वो सिरोधार है। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, बैठे हैं कि जब भेज देगी, ऑर्डर कर देगी तो हम जेल चले जाएंगे। लेकिन साजिश कुछ नहीं थी, ये बेकार की बात है, साजिश कुछ नहीं है, वहाँ पर सब खुला मामला था। साजिश तो सीबीआई ने रची है, सीबीआई जो है ये छुट्टा साण हो गई है, जो चाहे वो करे, वही काम हो इस समय कर रही है। हमारी सरकार में छुट्टा साण हो सकता है, बाकी किसी सरकार में नहीं हो सकती है, लेकिन हुई है। हमको प्रसन्नता है, कम से कम सीबीआई को स्वतंत्रता तो मिल गई इस काम के लिए, लेकिन जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, सीबीआई को छुट्टा साड़ा आपने कहा, क्या कोई और किसी स्तर की साजिश है कि सीबीआई को मोहरा बनाकर आपको क्या ये शक है कि इस्तेमाल किया है सीबीआई को आप लोगों के खिलाफ? नहीं नहीं, सीबीआई का इस्तेमाल नहीं, सीबीआई ने स्वयं किया है इस्तेमाल हम लोगों को फंसाने का काम किया है। और वहाँ साजिश क्या हो सकती थी, कुछ तो था नहीं, इतनी लाखों लाख के लोग थे, स्वतः ढांचे पर लोग चढ़ गए, एक एक ईंट उसकी उठा करके ले गए, इतने कम समय में सारी उन जमीन साफ कर दी, तो वो तो स्वतः स्फूर्त से लेकर के सब एक एक ईंट प्रसाद के स्वरूप लोग लेकर चले गए, तो किसको किसको दोषी मानेंगे? टाइमिंग को लेकर सर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। 2 बड़े नेता आपके, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उनका नाम चर्चा में था, और ऐसे वक्त में ये डेवलपमेंट हुआ है कि उनकी संभावनाओं पर ग्रहण लगता दिख रहा है, तो क्या किसी और स्तर पर साजिश नजर आ रही है आपको? नहीं, क्या ग्रहण क्या लगना, अगर उनको बनाना ही है तो अभी अभी चार्जशीट होना अलग बात है, निर्णय तो आया नहीं है, तो बना सकते हैं, उसमें रुकावट कहाँ है। 302 के केस होते हैं, लोग रहते हैं, जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक कुर्सी पर रहते हैं, तो इसीलिए इसमें वो बाधा कहाँ है, रह सकते हैं। लेकिन किसी को घुट घुट करके मत मारिए, उतनी उसकी परीक्षा मत लीजिए कि सारा कुछ धैर्य टूट जाए। बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, और वो भी इन 13 लोगों में शामिल हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मैंने उस ढांचे को तोड़ा है, मेरे कहने से कार सेवकों ने तोड़ा है। अचानक उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, यानी वो सारा जो तोहमत है वो अपने सर ले रहे हैं, आप लोगों को बचाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं या कोई और मंतव्य है इसके पीछे? नहीं, ऐसा बयान उनको देना नहीं चाहिए, तो मंच पर थे, स्वतः स्फूर्ति के साथ काम हुआ, कार्यसेवक किसी को सुन नहीं रहे थे, जो लोग गए थे वो किसको किसकी बात सुन रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे, मंच तो बहुत दूर बना हुआ था, वो तो 2.77 एकड़ के बाहर मंच बना था, और मंच बना क्या था, वो बिल्डिंग बनी है आज भी है, उसी की छत पर मंच था, तो वो वहाँ तक सुनाई भी नहीं दे रहा था, लाखों लोग थे, तो उनके हिस्से में किसी के हिस्से में एक ईंट आई, किसी के हिस्से में आधे ईंट आई, किसी के हाथ में टुकड़ा आया, सब लेकर चले गए। और आप ये देखिए ना, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ, स्वतः स्फूर्ति के साथ लेकर के लोग गए, ये अच्छी बात हुई। जो कुछ भी हुआ, आपने कहा खुल्लम खुल्ला हुआ 6 दिसंबर 1992 को, उमा भारती जी का कहना है कि उन्हें गर्व है,
आपको भी गर्व है जो कुछ हुआ, या आप कहीं कुछ अफसोस है, क्योंकि आडवाणी जी एक बार कह चुके हैं कि वो काला दिन था? नहीं नहीं, हमको कोई काला दिन नहीं, अफसोस क्या है का? वो ढांचा अगर गिर जाता किसी के ऊपर तो बहुत सारे राम भक्त मर जाते, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको हटना ही था, उसी में दर्शन लोग करने जाते थे, तो वो किसी भी समय गिर सकता था, कोई मजबूत नहीं बना था, किसी समय गिर सकता था, तो लोग दबके मर जाते, इसलिए हटना आवश्यक था। अब हटना आवश्यक था, किसके आदेश से हटे, संकट यही था, लेकिन गुलामी के चिन्ह को लोग ले गए उठा करके, अब ले गए तो ले गए, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, जब ये तय हुआ कि मुकदमा चलाया जाएगा आपराधिक साजिश का आप 13 लोगों के खिलाफ, बीजेपी में नेताओं से बात हुई, या जो अब रामविलास वेदांती जी कह रहे हैं, क्या उनसे कोई बात हुई आपस में, आप 13 लोगों में कोई बातचीत हुई कि आने वाले दिनों में क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? नहीं, अभी कोई किसी से बात नहीं हुई, और रणनीति क्या होना है, अपने अपने वकील रहेंगे, लड़ाई लड़ेंगे अदालत के अंदर, जो अदालत का फैसला आएगा मान्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, आप हमेशा राम मंदिर की बात बीच बीच में अक्सर आवाज़ उठाते रहते हैं, ये एक कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, आने वाले दिनों में राम मंदिर आंदोलन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये बढ़ाएंगे ना, अदालत अपना काम करेगी, राम जन्मभूमि का मंदिर का आंदोलन नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, वो आवश्यक है, बिना उसको खड़ा किए राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये विनय कटियार जी को आपने सुना, जिनका ये कहना है कि CBI उन्हें फंसाने का काम कर रही है, साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कोई साजिश नहीं हुई थी, जो कुछ हुआ था सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ था। दिल्ली है। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।